खरसिया चाल रोड स्थित भालूनारा के पास तेज रफ्तार ट्रक व बिजली विभाग के पिकअप में आमने सामने भिड़ंत, दो इंजीनियर सहित चार लोगों की मौत। पिकअप वाहन के उड़े पर कच्चे, ट्रक चालक फरार। रायपुर मरवाही उपचुनाव कांग्रेस ने जयसिंह को सौंपी कमान, वहीं बीजेपी ने दी अमर अग्रवाल को जिम्मेदारी, दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। कोरबा कोविड अस्पताल में गुंजी किलकारी, मेडिकल टीम ने कोरोना संक्रमित महिला का कराया सुरक्षित प्रसव, महिला ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया। कलेक्टर श्रीमती कौशल ने मेडिकल स्टाफ की तारीफ कर बढ़ाया हौसला। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत, जांगला थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने दो अलग अलग जगह वारदात को दिया अंजाम, पूर्व उप सरपंच और पंच के परिजनों को सामने उतारा मौत के घाट। रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का करेंगे भूमि पूजन, दुर्ग जिले को 253 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास एवं निर्माण कार्यों की देंगे सौगात। बिलासपुर फिल्म शोले के पानी की टंकी का सीन की तरह एक नजारा आज सिरगिट्टी में आया नजर, खुदकुशी के इरादे से सिरगिट्टी पानी टंकी पर चढ़ा बुजुर्ग पुजारी, कहा कि सेक्स रैकेट चलाने वाली बहू के इशारे पर पुलिस कर रही है प्रताड़ित। बिलासपुर मुख्यमंत्री भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि को लेकर उनकी सरकार नया कानून लाने जा रही है जो प्रदेश के किसानों के हित में होगा। रायपुर राजधानी पुलिस की कार्रवाई, सिविल लाइंस व पंडरी से कुल 6 सटोरी गिरफ्तार, लाखों की सट्टा पट्टी जब्त। रायपुर लिव इन रिलेशनशिप में रहे प्रेमी की वजह से प्रेमिका ने खाया जहर, दी जान, युवक पर अपराध दर्ज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महासमुंद जिले के अरंड रेलवे स्टेशन में आज सुबह एक दंतैल हाथी टहलते टहलते पहुंच गया, हाथी ने देर तक स्टेशन में चहलकदमी की, उसके बाद वापस जंगल की ओर लौट गया। अचानक हाथी के आगमन से रेलवे कर्मियों में मचा हड़कंप,